हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल TCS पाठशाला। हम लोग एक सीरीज़ पे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और वो है इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़, जो कि लेक्चर वन से लेकर के कंप्लीट सिलेबस को कवर की जानी है। और इसी क्रम में हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे कुछ क्वेश्चंस। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जिसके ऑलरेडी 5 से 7 वीडियोस जो है वो प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जा करके उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए। हम लोग 2 लेक्चर्स में क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, नियरली 100 to 150 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। 2 या 3 लेक्चर्स भी लग सकते हैं ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको कवर करते हुए चलें। तो चलिए, आज ये लेक्चर वन है और जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के क्वेश्चंस के बारे में। वो चुनावी विज्ञापन आप लोग जानते ही हैं, शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए, बार बार हम लोग कहते हैं तो आज भी कह देना ही उचित है, नहीं तो पता नहीं आप करें ना करें। तो इसलिए चलिए, इससे पहले कि मैं इस क्लास को स्टार्ट कर लूं, आप ये बात लोगों तक शेयर कर दीजिए और उन्हें बता दीजिए जो भी जिनके लिए इंग्लिश उनकी परीक्षाओं में जरूरी है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बिफोर दैट, आज हम लोग ये 2 वोकैबलरी के जो क्वेश्चंस हैं इन्हें नहीं लेंगे, क्योंकि आज ऑलरेडी हम लोग को क्वेश्चंस ही कवर करने हैं बहुत सारे। तो इसलिए हम लोग वोकैब के क्वेश्चन आज की क्लास में नहीं रखेंगे, कल वाली क्लास में फिर से वोकैबलरी हम लोग बात करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं पहले वाले सेंटेंस को देखिए, लिखा हुआ है ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट जेनरस मेन ऑफ द टाउन। देखो, इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो पेपर के लिए मिस्टेक बना सकता है वो वन ऑफ है। वन ऑफ के बाद का नाउन हमेशा प्लूरल होता है। अब देखिए, यहाँ पे भी ये एडजेक्टिव है और एंड के बाद भी एडजेक्टिव जुड़ा हुआ है, तो एंड से 2 चीजें एडजेक्टिव। एंड एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो हमेशा 2 बराबर की चीजों को जोड़ता है, 2 नाउन, 2 प्रोनाउन, 2 एडजेक्टिव ना, 2 वर्ब। तो एंड ने 2 एडजेक्टिव को जोड़ रखा है और दोनों सुपरलेटिव डिग्री में है, इसका मतलब इनमें कोई मिस्टेक नहीं है। अच्छा, वन ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। देखिए, मेन लिखा हुआ है, मेन भी प्लूरल है, इसका मतलब है कि वन ऑफ के बाद का नाउन प्लूरल होगा। और जब कभी भी हम बात करेंगे इसके बाद अगर वर्ब होती तब पर भी वन के अकॉर्डिंग होती। तो अगर इस पूरे सेंटेंस में देखें तो यहां पे तो कोई मिस्टेक है नहीं, अगले वाले में कोई मिस्टेक नहीं है, थर्ड वाले में भी कोई मिस्टेक नहीं है, और यहां पे भी प्लूरल नाउन है तो कोई मिस्टेक नहीं है। तो आपको डी विकल्प पे जाना पड़ेगा और इसका जो विकल्प उत्तर होगा वो होगा डी, मतलब नो एरर। इस वाले पार्ट में कोई भी गलती नहीं है क्योंकि वन ऑफ के बाद का नाउन भी प्लूरल है और एंड से जुड़े हुए दोनों एडजेक्टिव भी सेम डिग्रीज में है। अगर एक पॉजिटिव एक कंपैरेटिव होता, 2 सुपरलेटिव ना होते, या एक सुपरलेटिव एक कंपैरेटिव होता तो मिस्टेक बन जाती किसी पार्ट में। हालांकि हम सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में देख रहे हैं तो हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, और एंड से जुड़े दोनों एडजेक्टिव सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बना रहे हैं, इसका मतलब बी और सी में भी मिस्टेक नहीं है। और मेन के बनने की वजह से वन ऑफ का भी जो एरर होती वो ठीक हो गई, इसका मतलब है कि यहां पर कोई एरर नहीं है और आपका उत्तर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, आप खुद भी आंसर कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर है, और मैं इन चीजों को एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं। देखिए, सेंटेंस लिखा हुआ है एवरी मैन एंड वुमन, वुमन। तो एक चीज मैंने बताई थी बच्चों, आज के बाद कभी भी सेंटेंस में एवरी, ईच, आइदर, इन सब चीजों का जब जब चर्चा हो जाएगा तो हमेशा उसके बाद जो नाउन होगा वो भी सिंगुलर और उनके साथ वर्ब तो हमेशा सिंगुलर होगी, भले यहां पर मैन एंड वुमन दिया गया है, एवरी मैन एंड एवरी वुमन दिया गया है। एवरी और ईच कहीं पर भी दिख जाए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल दिख जाए, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल दिख जाए, एवरी मैन एंड वुमन दिख जाए, एवरी से आते ही आप डन कर लीजिएगा कि जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होनी चाहिए थी, मतलब यहां पर इज होगा आर नहीं होगा और मिस्टेक भी इसी पार्ट पे बनाएगा। एवरी ईच का देने का जो तर्क होता है उसका यही है कि वो वर्ब की मिस्टेक बनाता है इसके बेस पे, ठीक है। तो एवरी मैन एंड वुमेन है तो वहां पे इज होना चाहिए था और ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता, मतलब कि बी पार्ट जो है वो एरर है, बी पार्ट में मिस्टेक है, ठीक है। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं, दिया है द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द मैटर इज दैट ही डाइड ऑन द स्पॉट। देखिए, आपको पता है एंड से 2 नाउन जुड़े हैं, सब्सटेंस एंड सम। 2 नाउन जुड़े हों और केवल एक के पहले आर्टिकल या डिटरमाइनर लगा हो, आपको मैंने लेक्चर पढ़ाते समय इसके रूल्स बताते समय बताया था कि जब हम 2 नाउन जोड़ दें और एंड से और एक के पहले एडजेक्टिव या डिटरमाइनर आर्टिकल लगा दें तो
आर्टिकल या डिटरमाइनर लगा दें तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होती है और वर्ब सिंगुलर है तो पहले में कोई मिस्टेक है नहीं, ऑफ द मैटर के बाद इज लगा हुआ है इसमें कोई मिस्टेक है नहीं, तो ही डाइड ऑन द स्पॉट इसमें कोई मिस्टेक नहीं है और आपका फिर से ये डी वाला पार्ट जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब इस पूरे सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। याद करिए हम लोगों ने बात किया था ना द प्रिंसिपल एंड टीचर, ठीक है, तो वैसा ही केस यहां पर भी है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, दिस इज फोर्थ, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, तो हम लोग इस पे बात करते हैं चौथे पांचवें और छठे प्रश्न पे। मोस्ट थिंग्स कॉस्ट, अब देखो सेंटेंस को समझने की कोशिश करो, मोस्ट थिंग आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट वो भी कैसा प्लूरल, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए थी, प्लूरल होनी चाहिए थी। कॉस्ट जो है कॉस्ट एक वर्ब होती है ना, कॉस्ट एक वर्ब है और जब भी कॉस्ट एक वर्ब होगी आप यहां पे चीजों को देख लीजिए, अगर कॉस्ट एक वर्ब है तो जब इसमें ये प्लूरल वर्ब है, इसमें जब हम यस और यस जोड़ेंगे तो ये तो सिंगुलर बन जाएगी, जैसे गो का गोज बन जाता है, तो यहां पे कॉस्ट होगा कॉस्ट नहीं होगा, मतलब ए पार्ट में एरर है, तो सब्जेक्ट और वर्ब की मिस्टेक में कॉस्ट होना चाहिए था ना कि कॉस्ट, ठीक है। और कहीं पर देखोगे तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, यहां पे दे के साथ डेट लगा हुआ है जिसमें कोई मिस्टेक बनती नहीं है। मैं आपको हमेशा यही समझाना चाहता हूं कि परीक्षाओं में आए हुए जो प्रश्न है ना वो लॉजिक्स को चेक करना चाहते हैं और वो ये चेक करना चाहते हैं कि कितनी जल्दी कौन सा बेस बनेगा और क्या उसके परिणाम आएंगे, रिजल्ट आएंगे, ये पहचानो। आपके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या कोई भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग एग्जाम्स को छोड़े जाएं, तो कॉन्सेप्ट से ज्यादा लॉजिक चेक करने के बेस पर वो आपसे प्रश्न पूछता है। तो यहां पे कर्ता जैसा और क्रिया ना उसके अकॉर्डिंग एस हटा दो तो सही हो जाएगा, तो आपका इसका ए पार्ट जो होगा वो उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांच के आंसर आप लोग भी दे दीजिए और फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 2 सेकंड है आपके पास, 2 से 5 सेकंड ले लो भाई, आंसर कर दो जल्दी से, ए बी सी या डी में से कौन सा उत्तर होगा, ठीक है। देखो सेंटेंस को देखो, अलॉट ऑफ मनी है, मनी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल जो चीज होती है वो कैसी होती है, सिंगुलर होती है, अनकाउंटेबल नाउन मनी लिखा हुआ है और क्रिया भी कैसी लिखी हुई है, सिंगुलर लिखी हुई है, तो जबरदस्ती कोई मिस्टेक निकालने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, टू बी के साथ थर्ड फॉर्म है, पैसिव वाइज में यहां पर भी कोई मिस्टेक नहीं है। ऑन रिपेयर्स ऑफ द हाउस, मतलब कि कोई भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड गलत नहीं है, सब्जेक्ट जैसा वर्ब वैसी, तो फिर से आपका पार्ट जो होगा वो डी मतलब नो एरर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के फटाफट आंसर दीजिए, अब आप जब आंसर देंगे फिर मैं आगे बताऊंगा, जल्दी से आंसर करिए, 5 सेकंड का समय आपके पास है और आप ए बी सी अथवा डी में से कौन सा विकल्प सही है आप इसका जवाब दे दीजिए। लगाओ गेस लगाओ, गलत होगा, मतलब सोच के थोड़ा सा बताओ क्या सही क्या गलत है। देखो नाइदर और नॉर का केस है, सेंटेंस में नाइदर नॉर देखा तुरंत समझ गए होगे कि नाइदर और नॉर से रिलेटेड मिस्टेक होगी, नाइदर नॉर से 2 सब्जेक्ट जुड़े, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, नाइदर नॉर से जब 2 सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, आइदर और से 2 सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े होते हैं, केवल और से जुड़ा होता है अथवा केवल नॉर से जुड़ा होता है, तो जो सेकेंड सब्जेक्ट होता है वो प्राइम सब्जेक्ट माना जाता है। तो एटमॉस्फेयर सिंगुलर है तो यहां पर भी सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे, मतलब वर्ब की जगह पे वॉज लगा दोगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सारे नियम पढ़ाए गए, सारे नियम प्रीवियस लेक्चर में बताए गए, अगर आपने ना पढ़ा हो तो जाओ पहले उनको कंप्लीट करो फिर इस वाले लेक्चर को दोबारा देख लेना, ठीक है। और देखो एक बार में नहीं समझ में आए ना तो दोबारा देखो, बात को समझो एक बार दो बार, ये सारे वर्ड्स क्वेश्चंस वो हैं जो आपको समय समय पे परीक्षाओं में मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि एक बार रूल्स पढ़िए फिर उस पे इस पे लौट करके आइए। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बताओ जल्दी से आप लोग, लिखा हुआ इफ आई कम्स टू योर हाउस, सीधी सीधी बात है भाई, आई के साथ कब से सिंगुलर वर्ब लगने लगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो आई के साथ प्लूरल वर्ब यूज करी जाती है ना, तो इफ आई कम टू होगा या कम्स टू होगा, तो आप कहोगे सर इफ आई कम्स टू नहीं होगा बल्कि इफ आई कम टू होगा, ठीक है। और कंडीशनल सेंटेंस अगर आपने पढ़ रखा है तो एक सेंटेंस प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, अगला वाला फ्यूचर के इंडेफिनिट में, ठीक है, और सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब की मिस्टेक है, आई के साथ कम कर दो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जेम्स हैज कलेक्टेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड हैव, तो भैया जब जेम्स के लिए हैज और हैव दोनों लगा रहे हो ना, एंड के बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो और कर्ता जेम्स ही है, तो जेम्स के लिए यहां पर हैज लगेगा तो यहां पर भी तो हैज लगना चाहिए ना,
सब्जेक्ट जब एक ही है तो वर्ब तो दोनों की जगह पे सिंगुलर ही प्रयोग की जाएगी। तो जेम्स हैज कलेक्टेड अ लॉट ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जेम्स ने जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे वो कलेक्ट कर लिए, एंड हैज रिटन अ गुड पेपर फॉर दिस कॉन्फ्रेंस, और उसी ने क्या कर दिया है, एक अच्छा लेख लिख रखा है, ठीक है, किसके लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, बताओ अगर 8 में कोई दिक्कत हो, 8 नंबर क्वेश्चन में कोई परेशानी हो तो, द प्रिंसिपल इंडिकेटेड दैट, प्रिंसिपल ने इंडिकेट किया कि द इशू ऑफ इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन द कॉलेज, देखो बात समझने की कोशिश करो, बात हो रही है इशू की, द इशू ऑफ इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन द कॉलेज, तो कॉलेज में जो इंप्रूव्ड क्वालिटी टीचिंग है ना उसके इशू की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट किसका कौन बनेगा, इशू बनेगा या इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ टीचिंग बनेगा, तो भाई इशू बनेगा ना, क्योंकि द इशू ऑफ किसका इशू, इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ टीचिंग, तो कर्ता जब इशू होगा तो क्रिया भी तो इशू के अकॉर्डिंग क्या होगा, सिंगुलर होगा, मतलब वॉज होना चाहिए, इशूज तो है नहीं, इश्यूज होता तो इश्यूज के लिए वर्ब लगा देते, लेकिन जब यहां पे कर्ता सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। बताओ 9th नंबर क्वेश्चन के बाद, 9th में कोई डाउट हो बता दो भाई, देख लो अगर आपका देखने का मन है एक बार तो। चलो अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से, जल्दी से बताओ भाई आप लोग, जल्दी जल्दी से उत्तर करो कि क्या सही विकल्प होगा क्वेश्चन नंबर 10th में। 10th नंबर क्वेश्चन में, This is one of the most universal desires. बच्चे कितनी बार पढ़ा है? One of. आप देखो जाओ rules में जाओ. अगर नहीं पढ़ा, पढ़ा होगा तुरंत समझ में आएगा. नहीं पढ़ा तो go and watch videos. ना rules को पूरा ठीक से पढ़ो, खुद ही 10 सेकेंड नहीं लगेंगे उत्तर आने में. One of लिखा है तो one of के बाद का जो noun होता है वो plural होता है. कितनी बार बताएं कि one of के बाद का noun plural, लेकिन verb जो होती है वो one के according होगी. Two of के बाद का noun plural, verb two के according होगी. ठीक है, तो यहां पे वन ऑफ लिखा है, ऑफ के बाद का जो डिजायर होगा वो डिजायर्स में होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ए पार्ट में मिस्टेक है और आपका उत्तर भी यही है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर करो जल्दी से, सोचो इस पूरे वाक्य में देखोगे कौन सा वर्ड है जिससे मिस्टेक बनाने के लिए वो दिया हुआ है। एग्जामिनेशन ना डज नॉट वॉन्ट टू चेक योर नॉलेज ना इन डीप, वो आपका चेक करना चाहता है कि कैसे लॉजिक्स आप लगाते हो, कितना जल्दी आंसर कर सकते हो, उतना टाइम ही नहीं देता आप परीक्षा की, आप उस पर बहुत ज्यादा विचार करो। ठीक है, आपको 12 मिनट में 25 क्वेश्चन कंप्लीट करने, तो इस तरह से देखो यहां एवरीबडी दिया है ना, एवरीबडी जैसे दिया है एवरीबडी के अकॉर्डिंग वर्ब की डिमांड वो चाहता है, तो वर्ब और वॉज में से कौन सा सही होगा, वॉज सही होगा। अब देखो गेस्ट में से, जितने भी गेस्ट में से है ना उनमें से एवरीबडी वॉज इंजॉइंग, तो बात तो एवरीबडी की हो रही, जब करता एवरीबडी है तो फिर क्रिया भी एवरीबडी के अकॉर्डिंग होगा। आपको परेशान कर देगा अमंग द गेस्ट करके, मतलब कि जो गेस्ट आए थे उनमें से सभी लोग, उनमें से प्रत्येक लोग, तो बात तो प्रत्येक की हो रही है, एवरीबडी की हो रही, और एवरीबडी के अकॉर्डिंग भी वर्ब भी लगानी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ भाई, जल्दी से आंसर करो, अब आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही होंगी। सेंटेंस को पढ़िए, सेंटेंस को पढ़ करके पता करिए कि कौन सा शब्द दिया है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखो पढ़ते चलो, द सक्सेस ऑफ आवर एफर्ट्स ना डिपेंड, अच्छा बात किसका कर रहे हो, सक्सेस का कर रहे हो ना, सक्सेस एक वचन की बहुवचन, तो बोलोगे सक्सेस सिंगुलर है, और सक्सेस के सिंगुलर के साथ डिपेंड नाम की वर्ब सिंगुलर नहीं बनेगी क्या, क्या डिपेंड्स नहीं होना चाहिए क्या, तो सक्सेस का बात कर रहे हो, कर्ता सक्सेस है तो वर्ब भी तो सिंगुलर होनी चाहिए ना। ठीक है, बताओ भाई फट कितने समय लग रहे हैं, 5 सेकंड भी नहीं लग रहा है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर पढ़ रखा है तो, अगर आपको रूल्स नहीं आते भाई वो बेसिक्स का समस्या है तो फिर तो दिक्कत होगी। इसके लिए आप हमारे वीडियोस का मदद ले सकते हैं, बुक्स का मदद ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 2 बहुत आसान प्रश्न है, आप इन्हें बताइए कौन सा उत्तर होगा। ही फाइनली, ही फॉर्मली, ये फॉर्मली लिखा हुआ है भाई, एफ आई आर MLY, he firmly believes that a radical change in the structure of our various departments. देखो वही कहानी है, ये करता बात किसकी कर रहा है, radical change की, और देखो verb और करता में कितना दूरी कर दिया, और आप अचानक से परेशान हो जाओगे। कहा है कि एक radical change किसमें, in the structure of our various departments, तो departments के अंतर्गत radical change की जरूरत है। एक्चुअली बात वो रेडिकल चेंज की कर रहा है, ना कि डिपार्टमेंट्स की कर रहा है। डिपार्टमेंट्स तो उसके कॉम्प्लीमेंट के सेंस में, पूरक के सेंस में आगे जोड़ दिया गया है, तो रेडिकल चेंज अगर करता है तो क्रिया भी रेडिकल चेंज के अनुसार इज लगनी चाहिए थी।
बच्चों सारा खेल इस बात का है कि आप पूरे वाक्य में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाओगे, इजिली सॉल्व करते चले जाओगे, बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। देखो द अनस्किल्ड क्लास ऑफ वर्कर्स आर, बात किसकी कर रहे हो, अनस्किल्ड क्लास। क्लास एक कलेक्टिव नाउन है ना, क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन कैसा होता है, सिंगुलर होता है, टीम, क्लास, जूरी ना, हम जब बात करते हैं और वो यूनिट की तरह काम करता है, तो यहाँ पे कोई डिवीजन तो दिख नहीं रहा है, तो क्लास की जब बात कर रहे हो तो वर्कर्स के साथ इज की आर लगाओगे, बताओ, हम तो पूरे पूरे ग्रुप का बात कर रहे हैं ना। द अनस्किल्ड क्लास ऑफ वर्कर्स इज द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड क्लास ना, तो हम एक्चुअली पूरे पूरे ग्रुप का बात कर रहे हैं, तो जब ग्रुप का बात करेंगे और उनमें अलगाव नहीं होगा तो हम किसकी बात करेंगे, सिंगुलर वर्ब फॉलो करेंगे, टीम इज होता है। मैंने ये चीज बताई थी आपको कि कब टीम के साथ आर लगेगा, कब टीम के साथ इज लगेगा, जूरी के साथ कब आर लगेगा, कब डिवाइड होंगी, कब डिवाइड नहीं होंगी, तो एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ऐसे ना 150 प्रश्न करेंगे, और आप एक बार अगर इस वीडियो को पूरा फॉलो कर गए तो जितने भी प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में वो इन्हीं में से किसी पैटर्न पे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखो जूलिया एंड हर चिल्ड्रन फील्स, देखो भाई एंड से दो चीजें जुड़ी, जूलिया जुड़ी और उसके चिल्ड्रन बच्चे जुड़े, तो भाई इसका मतलब दो चीजें एंड से जुड़ी है, बहुवचन हो गई, तो फील्स होगा या फील होगा, तो फील होगा। देखो एकदम साफ साफ दिख रहा होता है कि पेपर में ऐसी मिस्टेक आनी है, तो जूलिया एंड हर चिल्ड्रन फील होगा ना कि फील्स होगा, कर्ता प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। आगे भी चेक कर लो, मन करता है तो दे के साथ हैव लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, और आगे कोई मिस्टेक है नहीं, इसका मतलब है जो ए पार्ट है वो आपका एरर था, फील्स की जगह पे फील कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, जल्दी से उत्तर बताइए, 5 सेकंड का समय है, फटाफट बताइए ए बी सी या डी, ठीक है। आप चाहो ना तो आप वीडियो को रोको और वीडियो को रोक करके पहले उत्तर ले लो, फिर मेरे एक्सप्लेनेशन देखो, ठीक है, इजी हो जाएगा। None of us, तो each, every, either, neither, one or none, ये सब क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगी, कोई दिक्कत नहीं। टू कॉन्ट्रडिक्ट वॉट दी स्पीकर, स्पीकर वॉज, स्पीकर के साथ वॉज लगा हुआ है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, जब कोई मिस्टेक नहीं है तो एरर नो एरर पे चला जाएगा, भाई ये करता ये क्रिया मैच कर गई, ये वाला करता ये वाली क्रिया मैच कर गया, तो जब दोनों के दोनों सेटिस्फाइड हैं, जैसा करता वैसी क्रिया, तो बताओ कोई दिक्कत है, जबरदस्ती मिस्टेक थोड़े निकाल देने की, नहीं ले आओ हम बताएंगे कि ये गलत है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 बताओ जल्दी से, क्वेश्चन को रोको, वीडियो को रोको, पॉज करो और फिर आंसर खुद सोचो, देन एक्सप्लेनेशन देखो, तो इजी होगा, ठीक है, अच्छा भी होगा, आप खुद गेस करोगे फिर एक्सप्लेनेशन देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी। द रिसेंट चेंजेस, बात किसकी कर रहे हो, चेंजेस की बात कर रहे हो, हाल ही में जो परिवर्तन हुए हैं, तो चेंजेस के लिए हैज की हैव, बताओ, रिसेंट चेंजेस का बात हो रहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो परिवर्तन हुए हैं, चेंजेस प्लूरल है, अगर रिसेंट चेंज होता तो वहां हैज रहता, आप कहोगे सर इसको बदल सकते हैं क्या, भैया जैसा करता वैसी क्रिया को चेंज करेंगे, तो चेंजेस यहां है प्लूरल तो वहां पे हैव लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से 17 नंबर क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है, एक बार देखिए, दूसरे बार वीडियो देखिए, जब आपको आदत पड़ेगी ना वीडियो देखने की और क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो जाके चीजें ठीक होती चली जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दिस स्टोरी इंप्रेसेस ऑन आवर माइंड, ठीक है, चलो अच्छा, दिस स्टोरी के साथ इंप्रेस लिखा हुआ है, स्टोरी तो एक वचन है और इंप्रेस तो फर्स्ट फॉर्म है ना, इसमें प्लस ईएस जोड़ो, इंप्रेसेस कर दो, जब दिस स्टोरी इंप्रेसेस हो जाएगा तो कर्ता और क्रिया मैच कर जाएगी, तो स्टोरी कर्ता सिंगुलर, वर्ब को सिंगुलर बनाओ एस और ईएस लगा के और सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहां पे लिखा हुआ है 7 children, बहुवचन है, कैन तो सबके साथ लग सकता है, फिर यहां दे के साथ हैव लगा ही हुआ है, तो और कोई मिस्टेक नहीं है, स्टोरी के साथ इंप्रेस को इंप्रेसेस कर देंगे, कर्ता सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। चलो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 19, गेस करो, वीडियो को रोको, गेस करो और फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखो। एज पर रिवाइज्ड रूल्स, रूल्स का बात हो रहा है, ठीक है, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट सॉइल्ड एंड टॉर्न नोट्स आर, देखो बात किसका कर रहे हो कि रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट, बात किसका कर रहा है, रिफ्यूज करना, मना करना, क्या मना करना, टू एक्सेप्ट सॉइल्ड एंड टॉर्न नोट्स, तो जो मना करना है ना वो ऑफेंस है, रिफ्यूजिंग इज एन ऑफेंस, तो रिफ्यूजिंग क्या है, जीरेंड है,
आईएनजी फॉर्म है, कल की लास्ट क्लास में तो बताया था कि रिफ्यूजिंग आईएनजी फॉर्म है तो वो जीरेंड होगा और सिंगुलर होगा, इज अ कॉग्निजिबल ऑफेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द रिपोर्ट इज कैंडिड, फिर आपको कह रहा हूं वीडियो रोकिए और वीडियो रोकने के बाद क्या करिए, गेस करिए एंड देन फिर आगे बढ़िए। द रिपोर्ट इज कैंडिड, द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग दैट द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग हैव, देखो बात किसका कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट का, जो सरकार के द्वारा हेल्थ और फैमिली डिपार्टमेंट प्लानिंग पर जो इन्वेस्टमेंट है वो इरोड हो गया है। तो बात किसकी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट की कि गवर्नमेंट की हेल्थ और केयर, आप बात कर रहे हो गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट की, कहां पर, हेल्थ और फैमिली में। तो बात जिसकी करोगे सब्जेक्ट तो वही होगा, इन्वेस्टमेंट का बात हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट का बात हो रहा है तो यहां पर हैव की जगह पे क्या होना चाहिए था, हैज होना चाहिए था। कुछ थोड़ी बहुत आपकी समझ डेवलप कर रही, क्वेश्चन को सॉल्व करने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको आ रहा है कि हाँ ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के ऐसे प्रश्न क्वेश्चन वो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है, ये किसी ना किसी जगह पूछे गए प्रश्न है सारे के सारे। देखो एक सेंटेंस है 21, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, यह देखा गया, इट हैज बीन, इट के साथ हैज लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, वन पर्सन लिखा हुआ है, फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है, टीज, तो वन पर्सन एक बचन है, टीज का एस और एस जोड़ेंगे तो टीजेज होगा ना, एक व्यक्ति जब चिढ़ाता है, टीजेज, टीज का एस और एस, जैसे गो का गोज वैसे टीज का टीजेज होना चाहिए, बी पार्ट में एरर होगा, और अदर्स के साथ तो फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, ये तो प्लूरल, ये भी प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये देखो सिंगुलर, ये तो सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ये तो सिंगुलर लेकिन ये तो प्लूरल, टीज, या तो टीजेस करो, टीजेस करो तो सही हो जाएगा सेंटेंस, इसलिए मिस्टेक जो होगी वो बी पार्ट में हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए, 22 बताइए जल्दी से, आप बताइए फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ थिन लेंस, कीप, बात किसकी कर रहे हो, रे ऑफ लाइट की, वो लाइट जो कि पास कर रही है ना लेंस के सेंटर से, तो आप बात किसकी कर रहे हो, रे ऑफ लाइट की, जब कर्ता ये है तो क्रिया भी तो इसी के अकॉर्डिंग होगी, जब कर्ता सिंगुलर है तो क्रिया भी तो सिंगुलर होगी। मैं बार बार सॉल्व कराते समय ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी कभी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डिस्टेंस हो जाता है, हमको यही पता करना है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो डिस्टेंस है उसको समझना है कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब की डिमांड होगी। सब्जेक्ट है रे ऑफ लाइट एक बचन, और जब एक बचन है तो हमेशा यहां पर भी कीप्स हो जाएगा। ऐसे देखो डज बुक्स फॉर चिल्ड्रन, कब बच्चे देखा था कि बुक्स के लिए डज लगाओगे, बुक्स के लिए तो डू लगता है ना, डू बुक्स फॉर चिल्ड्रन यूज ना, तो डस तो बुक के लिए लग सकता था, तो जब बुक्स लिखा हुआ है तो यहां पे डू लग जाएगा, तो फिर क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर जो हो जाएगा वो ए पार्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 24 क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहे हैं, द एवरेज एज एट विच पीपल बिगिन। देखो बात यह है, आप बात कर रहे हो, आपको खुद ही बताओ मुझे कि आप पीपल का बात कर रहे हो कि आप एवरेज एज का बात कर रहे हो, आप पीपल का बात कर रहे हो या एवरेज एज का बात कर रहे हो। कह रहे जो लोग हैं ना वो एवरेज एज जिस पर पीपल प्रारंभ करते हैं, तो देखो एवरेज एज एट विच पीपल बिगिन, तो ये कौन बिगिन कर रहा है, पीपल बिगिन कर रहा है, तो पीपल प्लूरल है और यहां पे बिगिन भी क्या है, प्लूरल है। टू नीड आई ग्लासेस वेरी, अब देखिए ये वाला जो वर्ब है वो इसके लिए आया है क्योंकि पीपल बिगिन, पीपल इसकी बात कर रहा है तो ये प्लूरल लेकिन ये कैसा है, सिंगुलर। बहुत इस तरह के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, एवरेज एज एट विच पीपल बिगिन, ये पीपल के लिए वर्ब आई हुई है, तो कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में क्या कर देते हैं ना, इसको गलत कर देते हैं, बिगिन कहते हैं कि इसके लिए यूज हुए, नहीं समझना है कि एवरेज एज जिस पर लोग ना ग्लासेस को पहनना चालू करते हैं, तो यहां पर बिगिन पीपल के लिए है लेकिन ये जो वेरी नाम की क्रिया है ना ये इसके लिए आई हुई है, द एवरेज एज के लिए, और द एवरेज एज सिंगुलर है तो यहां पर वेरी को वेरीज कर देना पड़ेगा और सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। जैसे वेरी को आपको सिंगुलर बना करके क्या कर देना पड़ेगा, वेरीज। बस ये समझना है कौन सी वर्ब किसके लिए यूज हुई है, कहते वो एवरेज एज जिस पर लोग प्रारंभ करते हैं
गॉगल्स पहनना, तो ये प्रारंभ करना लोगों की बात कर रहा है। कभी कभी जल्दबाजी में लोग सोचेंगे बिगिन जो है एवरेज एज की बात कर रहा है और बिगिन्स कर देंगे, तो वो एरर हो जाएगा। ये वाली वर्ब पीपल की बात कर रहा है और ये वेरी नाम का वर्ब जो है वो एवरेज एज के लिए है। 25 नंबर क्वेश्चन बताइए, इन अ रिपोर्ट इश्यूड बाय इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीधी सीधी बात है, देखो द लिखा हुआ है, दो नाउन एंड से जुड़े हैं, एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और द एक के पहले लगा हुआ है, दो नाउन एंड से जुड़े हो और केवल पहले वाले के पहले आर्टिकल या डिटरमाइनर लगा हो तो फिर वो सिंगुलर हो जाएगा। डायरेक्ट रूल से क्वेश्चंस हैं, आप अगर रूल्स देखोगे तो उसी के अकॉर्डिंग तुरंत का तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, 25 किलोमीटर फ्रॉम भुवनेश्वर टू कटक। देखो 25 किलोमीटर कितनी बार बताया था कि जब दो या दो से अधिक चीजें मिले और वो किसी एक चीज को बताने लगे, किसी एक क्वांटिटी को दिखाने लगे, डिस्टेंस को दिखाने लगे, सैलरी को दिखाने लगे ना, तो जब कभी भी दो या दो से अधिक चीजें किसी एक चीज को दिखाने लगती हैं तो वो सिंगुलर कही जाती हैं। तो 25 किलोमीटर जो है वो इज अ ग्रेट डिस्टेंस है या इज अ लॉन्ग डिस्टेंस है। तो कैसा लगा आपको ये 25 क्वेश्चंस और कैसे आपको सॉल्व करने में थोड़ी मदद हो रही थी? एक बार में ना समझ में आया हो तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग इसके 100 प्लस क्वेश्चंस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के, आज कुछ कारणों से 25 क्वेश्चंस पे ही रख दिया जा रहा है, कल की क्लास में हम लोग इसे मोर देन 50 क्वेश्चंस पे लेके चलेंगे। कैसा लगा क्लास जरूर बताइए, ठीक है, और लोगों तक जरूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।